से भी विशाल बनो और बट वृक्ष जैसे भी विशाल बनो। परशु महापुराण की कथा कहती है, पहले अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में तुलसी के पौधे जैसे बन जाओ, फिर पीपल और बड़ बनने में देरी नहीं लगेगी। हमें पीपल जैसा विशाल बनना है, हमें बट वृक्ष जैसा विशाल बनना है, तो पहले हमें तुलसी के पौधे जैसा सहज, सरल और छोटा भी बनना पड़ेगा। तुलसी के पौधे जैसी नम्रता, तुलसी के पौधे जैसी विनम्रता, तुलसी के पौधे जैसी मिठास, तुलसी के पौधे जैसी आरोग्यता, तुलसी के पौधे जैसी पवित्रता हमको धारण करना पड़ेगा। आज के जमाने में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सब बुद्धि में तेज होते हैं। आज के जमाने में मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य बुद्धिमान है, पर बुद्धि हर एक व्यक्ति को भगवान ने दी है, पर बुद्धि को शुद्धि करने की कला भगवान नहीं देता। इसलिए हमें सत्संग में, हमें मंदिर, हमें तीर्थ, हमें नदी, हमें बावड़ी, हमें तालाब, कुंड, पवित्र भूमि पर जाना पड़ता है, जिससे हमारी बुद्धि को हम शुद्धि कर सकें। बुद्ध बनने के लिए पहले हमें शुद्ध बनना पड़े। बुद्ध बनने के लिए पहले हमें अपनी शुद्धता को धारण करना पड़े। अब हम विचार तो करते हैं कि हम में बुद्धि है, हम में बुद्धि है, पर शिव कथा कहती है पहले आपके अंदर मन की कितनी शुद्धता है, हमारा मन कितना शुद्ध है। हम कितना भगवान का भजन कर रहे हैं वो मूल नहीं है कि आपने बहुत घंटे तक माला लेकर बैठ गए, दो चार घंटे तक आपने माला जप ली तो भगवान के हो गए, वो भाव नहीं। आप मत पकड़ो माला, मत पकड़ो। आप मत पकड़ो माला, पर निवेदन है अपने घर के बुजुर्ग माँ बाप का हाथ जरूर पकड़ कर रखना। आप माला नहीं पकड़ सकते, मत पकड़ो, पर अपने घर के बुजुर्गों का, अपने घर के माता पिता का हाथ बुढ़ापे में जरूर पकड़ कर रखना। आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते घंटों तक, आप आसन लगाकर साधना नहीं कर सकते घंटों तक, मत करो, पर जब अपने माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं तो उनके चरणों में अपनी ड्यूटी से आने के बाद, नौकरी से आने के बाद, दुकान से आने के बाद कम से कम 5 मिनट उनके पास बैठो, तो वो आसन लगाकर जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य माँ बाप के चरणों में मिल जाए। इतने बुजुर्ग माएँ बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, इतने बुजुर्ग मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माता आई, मेरे बंधु बैठे हुए हैं। मैं बुजुर्ग माताओं से पूछूं, क्या कभी आपने अपने बेटे से 50,000 रुपये मांगे? कभी किसी बुजुर्ग माता ने कभी अपने बेटे से कहा कि मुझे 2-4 साड़ी ला कर देना? कभी बुजुर्ग माता पिता ने आपसे कहा कि मुझे तुझे ये ला कर देना है, मुझे ये ला कर देना? कभी बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे ये ला कर देना, पर बुजुर्ग माता पिता बुढ़ापा आते आते इतना जरूर चाहते हैं कि मेरा बेटा कम से कम व्यापार से, दुकान से या कहीं से आए तो 5 मिनट तो मेरे पास बैठकर मेरे से चर्चा करे, मेरे से बात करे। बुजुर्ग माता पिता को थोड़ा सा समय दीजिए। आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते ना किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में, आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते किसी तीर्थ में, तो कम से कम अपने माँ बाप के चरणों में 5 मिनट 7 मिनट जरूर बैठो। आप माला नहीं पकड़ सकते, मत पकड़ो,
कोई महाराज कोई गुरु तुमसे कहे कि माला पकड़कर 2 घंटे तक बैठोगे तो भगवान मिल जाएगा, तो उनसे कह देना कि सियोर वाला महाराज बोला है कि माता पिता का हाथ पकड़ने से भी भगवान मिल जाए। विट्ठल की कथा सुन, विट्ठल पांडुरंगा की कथा क्या कहती है? पौंडलिक, जिसने प्रवचन में सुन लिया था कि माता पिता की सेवा करने से हरि विट्ठल प्रसन्न हो जाता है, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाता है, बस उसने सेवा करना प्रारंभ कर दिया और भगवान उसको दर्शन देने के लिए पहुंचे। उसकी गली में इतना कीचड़ था, नारायण दरवाजा बजाए, उसने पूछा कौन है? वो कहते हैं मैं नारायण हूं, अभी मैं अपनी माता के चरण दबा रहा हूँ, फिर पिता के चरण दबाऊंगा और पिता के चरण दबाने के बाद दरवाजा खोलूंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में बहुत कीचड़ है, मैं खड़े कैसे रहूं? तो पौंडलिक ने खटिया के नीचे से एक ईंट उठाकर बाहर फेंक दी और भगवान से कह दिया कि इस पे खड़े हो जा। भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर उस पौंडलिक के लिए भगवान दरवाजे पर खड़े रहे और जब पौंडलिक ने दर्शन किया, दर्शन करते से ही भगवान ने उसको जब दर्शन दिया तो भगवान ने कहा मांग पौंडरिक, तुझे क्या चाहिए? पौंडरिक कहता है प्रभु इतनी कृपा करना जो अपने माता पिता की सेवा करता हो उसके दरवाजे पर ऐसे ही दर्शन देते हैं। ये घोर कलयुग का क्रम चल रहा है। इस कलयुग में भगवान को ढूंढने जाना है तो बहुत दूर नहीं जाना है, इस कलयुग में अगर परमात्मा को ढूंढना है तो अपने घर के माता पिता का प्रतिदिन चरण का दर्शन कर लो, उनका आदर कर लो, उनका सम्मान कर लो और ध्यान देना माला पकड़कर बैठने से ज़्यादा जरूरी है अपने बुजुर्ग माँ बाप, अगर बाथरूम जा रहे हैं बुजुर्ग माँ बाप को कहीं जाना है तो उनका हाथ पकड़कर छोड़ देना, ये सबसे बड़ी माला जाप का फल है। सबसे आसन लगाकर बैठने से बड़ा फल है। आप में से कई लोग तो हमको जानते हैं, हमारे सियोर में मकान में आप जाएंगे तो उसमें एक हॉल है और नीचे 2 कमरे हैं और 2 कमरे ऊपर, 3 भाई माता पिता सभी उसमें रहे, पिताजी थे तभी भी और माता जी हैं तभी भी। हम तीनों भाई का एक नियम है कि जब भी कहीं से आते हैं तो माता के पास में, पिता के पास, जब पिताजी थे तो माता पिता के पास में, अब माता जी तो माता जी के पास, कम से कम आधा से 1 घंटा तीनों भाई बैठकर भगवत भजन करते, चर्चा करते। तीनों की धर्म पत्नियां हों, बहुएं हों, सब उस बात को देखकर बड़े आनंदित होती हैं और वो भी आकर बैठकर भगवत चर्चा करती हैं। चर्चा है। कोई दौलत माँ बाप को नहीं दी जा सकती और समय से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती जो बुजुर्ग माँ बाप को दी जाए। समय से बड़ी कोई दौलत नहीं, समय से बड़ी। कोई कह दे तुमसे कि माला पकड़ लो तो कह देना भैया हमने माँ बाप का हाथ पकड़ रखा है। कोई कह दे कि तुम आसन लगा कर बैठ जाओ, किसी तीर्थ में जाओ कहीं बैठ जाओ आसन लगा कर, घंटों तक जप करना अनुष्ठान करना, भगवान मिल जाएगा, उससे कह देना हमने सुना है शिव महापुराण में कि माँ बाप के चरणों में थोड़ी देर बैठ जाओ तो 1 घंटा क्या 50 घंटा क्या जीवन भर के आसन लगाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। पुण्य हमारे भीतर जागृत हो जाए, हम एक पुण्य, और पीपल का वृक्ष बाद में बनना, बट वृक्ष बाद में बनना, पहले घर में
तुलसी के वृक्ष जैसा बन, तुलसी के पौधे जैसा बनने का प्रयास करिए। छोटा है तुलसी का पौधा, बहुत छोटा है, पर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, बस उसके जैसी पवित्रता, उसके जैसी निर्मलता, उससे उसके जैसी एक आनंदता अपने भीतर उत्पन्न करो, अपने भीतर। एक छोटे से छोटे बच्चे को भी यह ज्ञात होता है कि भगवान के स्नान का जल काय में डालना है। आप अपने छोटे से बच्चे को बुलाओ, हे ललुआ इधर आ। अब ललुआ को बुलाया और उसके हाथ में भगवान का घर में स्नान कराया, गणेश जी लड्डू गोपाल सब बैठे थे, सबको एक थाली में, एक बर्तन में, एक तारबान में बिठा कर तुमने नहला दिया, नहलाया हुआ पानी अपने बच्चे को दे दिया छोटे से को, और कह दिया ले डालिया। तुमने ये नहीं बोला उस बच्चे को कि इसको कहां डालकर, तुमने उस बच्चे को यह नहीं कहा कि इसको कहां ले जाकर छोड़ना, बस तुमने भगवान का नहलाया हुआ पानी दिया, स्नान का जल दिया, और वो बच्चा उस स्नान के जल को लेकर सीधे तुलसी जी में पहुंचता है, सीधे पौधे में पहुंचता है और तुलसी जी में ले जाकर डाल देता है। अब उसी बच्चे को तुम कपड़े धोने का पानी दे दो, उसी बच्चे को कपड़े धुले हुए पानी दे दो, बर्तन धोया हुआ पानी दे दो, पोछा लगाया हुआ पानी दे दो, और उस बच्चे कहना है ललुआ इधर आ, ललुआ आया, हाँ माँ ये ले पानी डाल कर आ जा। वो बच्चा तुलसी के पौधे में डालेगा क्या, जम के तो बोलो जरा, नहीं, पौधे में डालेगा नहीं, वो बच्चा उस पानी को अपने घर के बाहर पटक देगा, ओटले पर डाल देगा, सफाई में उसको प्रयोग ले लेगा। लोग कहते हैं आज के समय में सनातन धर्म को लोग जानते नहीं हैं, पर यह व्यासपीठ कहती है पक्के सनातनी के घर में सनातन के प्रत्येक व्यक्ति के घर में बच्चा बच्चा ये जानता है कि तुलसी के पौधे की पवित्रता कितनी होती है, पीपल के वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, बट वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, बेलपत्र के पौधे की, बेलपत्र के वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, वो जानता है। बस अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपनी भक्ति को अंदर की ओर उतारना, उतारना। एक फुटबॉल का एक गेम होता है, फुटबॉल खेली जाती है, उस फुटबॉल में लोग लात मारा करते हैं, अरे बोलो तो जम के मारते कि नहीं मारते, कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है, कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे, कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे, एक फुटबॉल उसे सब मार रहा है, सब ने लात मार, खूब लात मारी उसमें। अब एक व्यक्ति बैठा था, उस व्यक्ति ने कहा, पूछा किसी से कि भैया ये फुटबॉल में लात मार रहे हैं, एक फुटबॉल में इतने सारे लोग लात मार रहे हैं, अच्छी बात है, इस फुटबॉल में इतनी लात क्यों पड़ रही है, इस फुटबॉल में इतनी लात क्यों मारी। तो किसी ने कहा इस फुटबॉल में इसलिए लात पड़ रही है क्योंकि ये फुटबॉल अंदर से खाली है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, अगर इस फुटबॉल में सीमेंट भर दी जाती, पत्थर भर दिया जाता, इस फुटबॉल को अंदर से रेत से भर दिया जाता तो किसी के बाप में दम होती जो लात मार देता, अरे बोलो तो जम के। फुटबॉल अंदर से खाली है तो उसको लात मारी जा रही है,
फुटबॉल अंदर से खाली है, इसलिए कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है, कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है। फुटबॉल में रेत भर दो, फुटबॉल में पत्थर भर दो, फुटबॉल में अगर थोड़ी मिट्टी भर दो, फुटबॉल में अगर कुछ भर दिया होता, सीमेंट आदि आदि भर दिया होता, घोल भर दिया होता, उसमें वजन हो जाता, तो किसी में दम नहीं थी कि फुटबॉल में लात मार देते, लात टूट जाती पर वो फुटबॉल उचकती नहीं। खाली थी अंदर से, इसलिए लात मारी जा रही थी। खाली थी अंदर से, इसलिए उसको यहां से वहां लुढ़काया जा रहा था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, फुटबॉल अंदर से पोली है, केवल ऊपर से उसमें कवर है, इसलिए लात पड़ रही है। उसी तरह आज के जमाने में लोग कहते हैं हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी, सनातन धर्म का केवल ऊपर से दिखावा करते हैं, इसलिए दुनिया के लोग हमारे मंदिरों को तोड़ देते हैं, कहीं लात मार देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। जिस दिन सनातन धर्म तुम्हारे अंदर से मजबूत हो गया, किसी के बाप में दम नहीं कि कोई मंदिर और देवालय और तीर्थ को देख ले। सनातन धर्म अंदर से मजबूत होना चाहिए। हम सनातन धर्म को ऊपर से मजबूत कर रहे हैं। हमने तिलक लगा लिया, सोचा सनातन धर्म मजबूत हो गया। हमने धोती पहन ली, लग गया कि सनातन धर्म मजबूत हो गया। हमने तुरंत कुछ ना कुछ श्रृंगार करा, लगा सनातन धर्म मजबूत हो गया। हम मंदिर जाने लगे, सोचा सनातन धर्म मजबूत हो गया। नहीं, सनातन धर्म को भीतर से मजबूत करना पड़ेगा। अगर फुटबॉल अंदर से मजबूत होती तो किसी की दम नहीं थी कि कोई लात मार देता। सनातन धर्म अगर अंदर से अपने भीतर, अपने दिल में, अपने हृदय में जब तुम मजबूत कर लोगे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे देवालय, शिवालय और तुम्हारे तीर्थ को कोई देख लेगा। अपने भीतर से मजबूत करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। हम अंदर से मजबूत नहीं हो पा रहे। दूसरे धर्म के लोग अंदर से मजबूत हो गए, और अंदर से मजबूत हो गए इसलिए उनके धर्म पर कोई उंगली नहीं उठा पाता, उसमें कोई लात नहीं मार पाता। हम ऊपर से मजबूत दिखते हैं, अंदर से पोले होते हैं। अंदर से और उसको मजबूत करने के लिए आपके भीतर की निर्मलता, आपके भीतर की शुद्धता, आपके भीतर की सिद्धता, आपके भीतर का विनम्रता उसको मजबूत कर सकता है। भीतर की निर्मलता। एक बार माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया। माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया, जिस भूमि पर भगवान शंकर ने चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया था। आज उमा महेश दोनों सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं। हमेशा शंकर पार्वती नंदी पर बैठ कर जाते थे, भगवान शिव और सती मैया नंदी पर बैठ कर जाते थे, पर उमा
और महेश दोनों आज त्रिशूल हाथ में लेकर, माता उमा और महेश दोनों हाथ में हाथ मिलाकर दोनों जा रहे हैं सौराष्ट्र की पवित्र धरा भ्रमण कर। और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर घूमते घूमते माता उमा ने भगवान महेश से तीन प्रश्न कर लिए। माता उमा ने भगवान महेश से तीन प्रश्न किए, उसमें सबसे पहला प्रश्न था, प्रभु आपके भक्त का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? मां उमा पूछ रही है पहला प्रश्न, आपके भक्त का सबसे पहला लक्षण कौन सा है? शंकर भगवान के शिव भक्त का, शिव की उपासना करने वाले का, शंकर की आराधना करने वाले का, शिव की स्तुति करने वाले का, शंकर के गुणगान करने वाले का, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने वाले का, शंकर का स्तुति में डूबने वाले का, शंकर की कथा में रमने वाले का, शिव स्तुति में डूबने वाले का, शंकर के शिवालय के दर्शन करने वाले का,